अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आली में हाज़िर हूँ। अशरफ हासिल करूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि एक ऐसा मल्क जिसके अंजाम देने के बाद आपकी मोहब्बत घुटनों के बल चल गए आपके पास आई। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत आली में कुछ गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें हमारा सेंट और वानी सेंट एंटो ना जादू सिपली पर अपने जिस गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मतलब नजर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत आपके पास रहे, आपकी मोहब्बत आप ही के पास रहे, किसी और की होने ना पाए, किसी के पास जाने ना पाए, किसी के इश्क में वो दीवाना ना हो सिवाए आपके, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। करना क्या है, सबसे पहले जो ये अमल है, ये तावीज़ भी है लेकिन और दूसरी वीडियोस इसके सिलसिले से देंगे तावीज़ के, लेकिन ये जो है अमल है वजीफ़े की शक्ल में। करना क्या, सबसे पहले पाक साफ होकर के रोबा क़िबला बैठ जाएं, नमाज इशा के बाद या किसी भी वक्त आप जो है इस जिक्र को जो मैं बता रहा हूँ अल्लाह की या लतीफ़ या अल्लाह या लतीफ़ या वदुद या करीम भी कि या अल्लाह या लतीफ़, इसको जो है कम से कम 101 मरतबा डेली पढ़ करके महबूब के ऊपर तसव्वुर करके दम करें, तो इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत खुद घुटनों के बल आप जल करके आपके पास आएगी, वो आपके इश्क में दीवाना हो जाएगी, बेकरार हो जाएगी, बेचैन हो जाएगा, उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा सिवाय आपके। मुजर्रबों पर इसका इस्तेमाल करें। इजाज़त के लिए शक्ति वाले कमेंट में जाएगी या अल्लाह या मोहम्मद लिख दें, हमारी तरफ से आपको इजाज़त मिल जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।